भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को आखिरकार घर में बिग बॉस ने वो सजा दी है जो शायद ही अभी तक बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट को मिली होगी। जी हाँ, बिग बॉस के सभी मेंबर को बुलाकर लिविंग एरिया में बिग बॉस ने ये पूछा कि आप सभी की नज़र में सबसे कम एफर्ट कौन डाल रहा है शो में, और ऐसे लग रहा है कि वो सो रहा है, अभी तक नहीं जागा है। तब सभी ने बारी बारी से घर के दो सदस्यों का नाम बताया, एक हिमांशी खुराना, दूसरे खेसारी लाल यादव। सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया। कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि अभी तक शो की फॉर्मेट को ऐसे लग रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, कब कहाँ क्यों किस लिए सब कुछ हो रहा है, वो नहीं उलझे हैं। तो वहीं भाई विकास सिंह ने भी कुछ यही रीज़न दिया, लगभग सभी ने यही रीज़न दिया। और तो और शहनाज, जिसके साथ खेसारी काफ़ी कम्फर्ट है, शहनाज ने भी वही रीज़न दिया कि खेसारी काफ़ी हद तक शो के फॉर्मेट को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो बहुत बड़े एंटरटेनर है लेकिन वो अभी अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, वो निखर कर खुल कर नहीं आ रहे हैं जो कि उन्हें आना चाहिए। ठीक उसी तरह घर की कैप्टन बनी शेफाली जेरीवाला ने भी यही रीज़न दिया। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव अपने में ही उलझे हैं, वो शो में अपना एफर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। रश्मि देसाई का भी यही कहना था, देवोलीना का भी यही कहना था, लगभग घर में जितने भी लोग हैं उनका यही कहना था कि खेसारी लाल यादव शो में कर क्या रहे हैं। और ठीक उसी तरह से हिमांशी खुराना को भी टारगेट किया गया कि अभी जो 6 लोग आए हैं, नई एंट्री हुई है, इनमें इन दोनों अभी तक घर में कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसे हाईलाइट होना चाहिए, जिसे वो घर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और आगे चलकर ये घर के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बिग बॉस ने इन्हें सजा सुना दी है। सजा ये सुनाई है कि ये दोनों जो अभी तक बिग बॉस के घर में सो रहे हैं, इन्हें जागने की ज़रूरत है। जब सारे घर वाले सो जाएंगे तब तक इन्हें जागना है, और बिग बॉस जब तक नहीं कहेंगे तब तक इन्हें नहीं सोना है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव क्या इस टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर हो जाती है उनसे कोई चूक और देखना पड़ सकता है उन्हें घर से बाहर जाने का रास्ता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।